बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अरबी पराठा, जिसे मुतब्बक भी कहते हैं। उसके लिए हमें चाहिए तकरीबन एक पाव के करीब मैंने कीमा लिया है, चिकन का कीमा, और मैंने लिया है हरा प्याज, एक चौथाई कप, आधा कप मैंने टमाटर लिया है, आधा कप मैंने प्याज लिया है, आधा कप मैंने हरा धनिया लिया है। इसके अलावा कुछ ड्राई मसाले, उनमें है ज़ीरा पाउडर एक टीस्पून, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है, एक टीस्पून नमक लिया है, आप हसबे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गरम मसाला एक टीस्पून मैंने लिया है, और एक टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए समोसा शीट और ऑयल। समोसा शीट मैंने रोल शीट या समोसा शीट, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल नहीं कटवाया, साबुत ले लिया है, इसको मैंने नहीं काटा है। वैसे इस तरह से यह हमें अरबी पराठा बनाने में आसानी होगी, वरना अगर हम लोग घर में रोटी बनाएंगे तो इतनी बड़ी रोटी हमसे बन नहीं सकेगी, और ये बिल्कुल पतली होती है, ये यहाँ से इवन नहीं होता है। हम यहाँ पहले इसको बराबर करेंगे, इवन करेंगे, कट करके इसको रेडी करके रख लेंगे। फिर हम पहले अपना ये जो एक्स्ट्रा है ये मैंने निकाल दिया, इसको मैंने बराबर किया एक ही जितना, और इसके अलावा मुझे एक शीट ऐसा भी चाहिए फुल स्क्वायर में कटा हुआ। अब इसको हम पहले साइड में करेंगे, पहले हम अंदर का आमेजा बनाकर रेडी करेंगे ये। अब सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें कीमा डालेंगे। मैंने प्याज को अच्छी तरह से कीमे में डाल के भून ली, इसका कलर जरा सा चेंज होने लगे, तो हमने इसमें टमाटर टमाटर को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हरा प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हमने इसमें धनिया डाल दी जो हमने काट कर रखी।
बाद हमने इसमें राई मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स किया। फिर हमने इसमें जीरा पाउडर और गरम मसाला, गरम मसाले चले गए इसमें। अब हम इसको भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए हमने इसको ढक दिया ताकि अच्छी तरह पक जाए। हमारी फिलिंग रेडी है। हम समोसे वाली शीट को पूरा बिछाएंगे। बीच में हमने ये स्क्वायर शीट जो हमने तैयार करके रखी थी वो डाल देंगे और फिर हम इसमें जो हमने रेडी किया था वो फैला लेंगे। ये हमारे अरबी पराठे की फिलिंग है। अब हम इसमें अंडे को इसी तरह से बस कच्चा ही डाल देंगे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से डबल किया था। अब हम अंडे को इसी के ऊपर हल्का सा फेंटेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। हमने आटे को पानी से मिक्स करके लई बना लिया था। इसको एनवलप की तरह से बिल्कुल फोल्ड करने हैं।
सब्जी बनाकर भी इस तरह से आप बना सकते हैं अभी पराठे, लेकिन उसे फिर कड़क नहीं होगा और इस तरह आसान है। हम इसको इस तरह शैलो फ्राई करेंगे और बिल्कुल फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पक जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो जाएगा। एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ फ्राई करेंगे। हमारा अरबी पराठा तैयार है खाने के लिए, बिल्कुल सही बना है। अब हम इसको कट करेंगे। बिल्कुल आसान है, आप भी घर में बनाएं। क्रिस्पी भी है और मज़े का भी है। देखिए इस तरह बन गया, अंडा खुद ही पक गया, वो लो फ्लेम था ना उसकी वजह से अंडा पक गया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। अल्लाह हाफिज़।